नमस्ते स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। आज हम शुरू करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कार्बन के कंपाउंड्स किस प्रकार से फॉर्म होते हैं और कार्बन के अंदर क्या यूनिक प्रॉपर्टीज लाए करती हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स को पढ़ना है, तो हम सबसे पहले कार्बन के बारे में ही जानने की कोशिश करते हैं। कार्बन, यू नो वेरी वेल स्टूडेंट, कार्बन इज ए नॉन मेटल। ये याद रखना है कि कार्बन क्या है, हमारी एक नॉन मेटल है, अधातु है, और कार्बन है एटॉमिक नंबर, हैज एटॉमिक नंबर 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना स्टूडेंट, 6 होता है। कार्बन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4। यानी कि अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 2-4 कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके, अब बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ कार्बन। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन है, कार्बन की केमिस्ट्री को बिल्कुल सेपरेटली पढ़ा जाता है, बिल्कुल अलग से समझा जाता है। उसका कारण क्या है कि कार्बन शोज सम यूनिक प्रॉपर्टी, कार्बन है कुछ यूनिक प्रॉपर्टी हमें शो करती है, और ये यूनिक प्रॉपर्टी है वो अदर एलिमेंट इतने अच्छे से शो नहीं कर पाते, और इसी वजह से हमें कार्बन को क्या करना पड़ता है, अलग से स्टडी करना पड़ता है, इनटू ए सेपरेट ब्रांच, एक अलग से ब्रांच बनती है, और जिसके अंदर हम कार्बन और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन से रिलेटेड कंपाउंडों के बारे में ही जानकारी ग्रैब करते हैं, कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड को स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिकनेस। अब ऐसी क्या यूनिकनेस है जिसकी वजह से कार्बन है वो यूनिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है अदर एलिमेंट के कंपेरिजन में। So, कार्बन हैव टू यूनिक प्रॉपर्टी, एंड फर्स्ट वन इज कैटिनेशन, और सेकेंड वन है हमारी टेट्रा वैलेंसी। अब कार्बन है ये दो यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, कैटिनेशन और टेट्रा वैलेंसी। इन्हीं दो प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो अदर कंपाउंड्स के कंपैरिजन में बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, बिल्कुल सेपरेट मैनर में हम उनको स्टडी करते हैं। सो आइए हम स्टडी करते हैं कैटिनेशन के बारे में। It is the property shown by carbon to self link with other carbon atoms. क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी को आप समझ सकते हैं कि कार्बन क्या करती है, लिंक करती है विद अदर कार्बन एटम, यानी दूसरे कार्बन एटम के साथ, यानी कि अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ ही जुड़ जाने की प्रॉपर्टी को भी हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। और कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से सी
कर सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसी वजह से कार्बन क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी कैरी करती है। अगर आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं तो कार्बन का एक एटम है तो वो दूसरे कार्बन से जुड़ सकता है, वो तीसरे से चौथी कार्बन, पांचवी से छठी से सातवीं से आठवीं से एंड सोन ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये कार्बन की बहुत ही लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकते हैं बाई सेल्फ लिंकिंग, इसकी मदद से, बाई सेल्फ लिंकिंग की मदद से, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कार्बन फॉर्म्स द पॉलीमर। कार्बन क्या फॉर्म करेगी, पॉलीमर बनाएगी, यानी कि कार्बन के कंपाउंड क्या होंगे, पॉलीमर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉलीमर प्रोड्यूस कर सकते हैं। पॉलीथीन हमारा एक प्रकार से पॉलीमर का ही एग्जांपल है, जो एक कार्बन कंपाउंड है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं। That is tetravalency. It is the property in which carbon atom makes the covalent bond with other four atoms. टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि कार्बन क्या कर सकता है, अदर फोर एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय, ये प्रॉपर्टी क्यों कार्बन शो करता है स्टूडेंट, अभी हमने इससे पहले जब कार्बन का ब्रीफ हम पढ़ रहे थे, कार्बन का इंट्रो हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं कार्बन की, तो दैट इज 2 and 4। व्हाई, क्योंकि अगर कार्बन के एटम का स्ट्रक्चर हम देखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, तो दैट इज द कार्बन, दैट इज इट्स न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, वी नो वेरी वेल कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ओके, तो फर्स्ट सेल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन्हें फर्स्ट सेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वी कैन फिल अप, वी कैन फिल अप ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्टेट रूल है स्टूडेंट, इस रूल को हम 2n² से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2n², यानी यहां पे n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, यानी कि फर्स्ट सेल है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर सेकंड सेल है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड सेल है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी कि इसके बेसिस पे ही हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं। तो अगर हम 1 रखते हैं तो 2n² की यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 दैट इज 2। तो हम फर्स्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, वी विल फिलअप द 2 इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन के अंदर से हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया फर्स्ट सेल में। तो नेक्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, नेक्स्ट सेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं दैट इज 4। तो सेकंड सेल जो हम यूज करेंगे, सेकंड सेल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, वी कैन फिलअप द 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ सी दैट इस एटम के अंदर हमारा क्या हुआ है कि 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के अंदर है, बट फॉर गेटिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, इसको क्या करना पड़ेगा, इट नीड्स टू फिल 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो इसको क्या जरूरत होगी, 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल के अंदर फिलअप करने पड़ेंगे, बट इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसके पास 3 कंडीशन यहां पे बनती हैं कार्बन के पास, उनमें से 2 कंडीशन को ये रिजेक्ट कर देता है, थर्ड कंडीशन इट विल फॉलो। व्हाट इज दैट, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, पहली कंडीशन होती है कि ये कार्बन क्या कर सकता है, या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है बाहर किसी दूसरे एटम को दे देता है, तो इसका इनर ऑर्बिटल
या इनर ऑर्बिट बोल सकते हैं जिसको, इनर ऑर्बिट क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, यानी कि दो के दो इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, तो ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना भी इसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड होगा, बिकॉज चार इलेक्ट्रॉन को लूज करना, यानी चार इलेक्ट्रॉन को अपने सेल से बाहर निकालने में इसको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, विच इज क्वाइट नॉट पॉसिबल एट ए नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट पे हम इसको पॉसिबल नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन होती है कि जब ये कार्बन का एटम क्या करे, चार इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग से ले ले, कि इसको चार इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी संभव नहीं है। कारण क्या, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी इसको चार इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एड ऑन करने के लिए। सो चार इलेक्ट्रॉन ये ना तो आसानी से ले सकता है और ना आसानी से दे सकता है। सो व्हाट शुड कार्बन डू, अब कार्बन के पास क्या कंडीशन बचती है, कार्बन को क्या करना चाहिए। कार्बन के पास अब कंडीशन बचती है वन, दैट इज शेयरिंग, यानी कि अब कार्बन के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि कार्बन अगर अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कार्बन स्टेबल भी हो जाएगा और वो इजी भी होगा, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम लगेगी। यानी कि कार्बन क्या करना पसंद करता है, एट दिस कंडीशन कार्बन ट्राई टू मेक द कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि कार्बन का है एलिमेंट क्या करना पसंद करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करना शुरू करता है, यानी कि विद फोर अदर एटम्स, यानी कि ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है ये चार और इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर करना चाहते हैं, बॉन्ड बनाना चाहते हैं। और ये जो बॉन्ड बनता है इसी बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, यानी कि अदर एलिमेंट उनके साथ जब ये जुड़ जाता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, अदर एलिमेंट के साथ जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, यानी चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और ये जो बॉन्ड बनते हैं इसी को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कार्बन क्या करता है, चार बॉन्ड बना सकता है, और इन्हीं चार बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। ड्यू टू दिस टेट्रा वैलेंसी कार्बन कंटेन्स द यूनिकनेस इन द पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर यूनिकनेस है, और इसी यूनिकनेस की वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, इसकी केमिस्ट्री को अलग से पढ़ना पड़ता है। अब जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के बनाते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, वो समझते हैं। ओके, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर द कंपाउंड्स formed by the carbon and hydrogen। कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन की अगर बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन में भी फर्दर डिवाइडेड इंटू फर्दर into two types, दो टाइप्स के होते हैं हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड वन हमारा क्या रहेगा, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये हमारे टू टाइप्स के हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप समझ सकते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा इनके बीच में, इनके अंदर डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, इनको हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम स्टडी करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहां तक आप सभी स्टूडेंट याद कर लें कि हमारी कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है और उसकी यूनिकनेस का रीजन क्या है, उसका यूनिकनेस का रीजन है टेट्रावैलेंसी एंड
कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी क्या होती है, कैटिनेशन क्या होती है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, दीज आर द टॉपिक्स फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।